नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिरोही शहर में विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन NPP सेवा ट्रस्ट ने कपड़े की थैलियां वितरण की है। कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से सामान देने हेतु कागज और कपड़े की थैली और छोटी थैलियां रखने की अपील की है। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन के प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख और NPP सेवा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह राव ने बताया कि विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक प्रकल्पों पर कार्य कर रहा है। सिरोही जिले में जन्मदिवस, शादी की वर्षगांठ आदि यादगार दिनों पर पौधरोपण करवाता है। एक व्यक्ति एक पौधा मिशन में सहयोगी की भूमिका में है। प्लास्टिक उन्मूलन हेतु कपड़े की थैलियां वितरित कर रहा है। पेड़ पौधे के ऊपर किले लगाना और बैनर लगवाने के विरुद्ध अभियान के सहयोगी भी भूमिका में है। गोरैये के लिए घोंसले और चुग्गा पात्र वितरित कर रहा है। विश्व पर्यावरण मिशन की प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख राव के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष आशा देवड़ा, जिला सचिव इंदिरा खत्री, संयुक्त सचिव सविता कुमारी, अनीता चौहान, NSS श्री प्रभारी वर्षा त्रिवेदी ने गाइड बालिकाओं और NSS की सेविकाओं के साथ सिरोही शहर में कपड़े की थैलियां वितरित की है। राव ने व्यापारियों को प्लास्टिक थैली मुक्त होकर व्यापार करने की अपील की है। वहीं व्यापारियों को कोरोना से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरा पालन किया गया है। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके साथ ही NPP सेवा ट्रस्ट, नोपाजी पोसी देवी प्रजापति सेवा ट्रस्ट, यह शिक्षा के साथ पर्यावरण, राष्ट्रभक्ति, जरूरतमंदों की सेवाएं आदि के लिए समर्पित भाव से संपूर्ण राष्ट्र में काम कर रहा है। इन दोनों के सहयोग से आज सिरोही नगर के सभी व्यापारियों से अपील की गई कि आप प्लास्टिक की थैलियां यूज नहीं करें, आप या तो कागज की थैली यूज करें या फिर कपड़े की थैली यूज करें। आज विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन का पूरा दल, जिलाध्यक्ष श्रीमती आशा जी देवड़ा, सचिव श्रीमती इंदिरा जी खत्री, कार्यक्रम के प्रमुख श्रीमती अनिता जी चौहान, संयुक्त सचिव सुश्री सविता कुमारी गर्ग और NSS की बहन श्रीमती वर्षा जी त्रिवेदी और सेविकाएं, साथ ही गाइड की बालिकाओं ने सिरोही नगर के सभी व्यापारियों से घूम करके करबद्ध निवेदन किया कि आप किसी भी सूरत में प्लास्टिक की थैलियों का यूज नहीं करें। NPP सेवा ट्रस्ट और विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन पर्यावरण संरक्षण के लिए संपूर्ण राज्य में पौधारोपण के साथ गौरैयाओं के लिए हाउस, उनके लिए जल की व्यवस्था, सुग्गा पात्र आदि वितरित करेंगे और जिसमें हम सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन की टीम और NPP सेवा ट्रस्ट की टीम सभी लोगों से अपील करती है कि आप इस हमारे पुनीत कार्य में सहयोगी और साथी बने। सिरोही से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।